सभी का आपके अपने चैनल आरबीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। पति शैलेंद्र खन्ना के जन्मदिन पर समाज सेवी नीता खन्ना ने बांटी मिठाइयां, बच्चों को उपहार देकर मनाया जन्मदिन। जन्मदिन के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय अलीनगर खुर्द सरोजनी नगर लखनऊ में समाज सेवी नीता खन्ना, पूर्व पार्षद नेहा सौरभ सिंह ने बच्चों को कॉपियां, मिठाई और समोसे वितरित किए। नीता खन्ना ने बताया कि मेरे पति भी हमेशा गरीबों की मदद करते हैं और वे कहते थे कि सच्ची पूजा वही है कि हम जरूरतमंद की मदद कर सकें। कविताएं और गाना बहुत अच्छा गाते थे। सच्ची और ईमानदारी से सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। सभी बच्चों को हमेशा सच्चाई है और सत्य का रास्ता दिखाया। उन्हीं की प्रेरणा से जीवन में सकारात्मकता के साथ हम लोग समाज के प्रत्येक व्यक्ति को छोटी छोटी खुशियां देकर खुद को सुखी महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर बच्चों ने जन्मदिन का गीत गाया और कई बच्चों ने अपने जन्मदिन के बारे में बात करते हुए पूर्व पार्षद नेहा सौरभ सिंह को जीवन में पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनने का आश्वासन दिया। शिक्षक प्रतिनिधि रीना त्रिपाठी ने सभी को धन्यवाद दिया तथा बच्चों को अक्सर गरीबी के कारण कॉपी किताब की कमी का सामना करना पड़ता था, जो अब फिलहाल इस वर्ष के लिए बच्चों को कॉपियों के उपयोग की दिक्कत नहीं होगी। इस अवसर पर प्रधान अध्यापिका आभा शुक्ला, नसीम सेहर, सरिता यादव, सतीश सिंह, अभिभावक तथा गांव के लोग उपस्थित रहे। संवाददाता रीना त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरबीएस समाचार।